दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज मैं आपके लिए आया हूं ऑल न्यू हुंडई सैंटा फे। हुंडई सैंटा फे को इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2010 में। उसके बाद 2014 में इसे एक मिड लाइफ अपडेट देखने को मिला और फिर उसके बाद 2017 में इसे फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया गया इंडियन मार्केट्स में से। लेकिन वहीं 2009 में टोयोटा फॉर्च्यूनर को भी लॉन्च किया गया था और वो आज भी मार्केट्स में देखने को मिलती है। इस गाड़ी को इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया था फॉर्च्यूनर और एंडेवर से कम्पीट करने के लिए, लेकिन यूएस मार्केट के लिए ह्युंडई ने अपना नया अपडेट लॉन्च करा है सैंटा फे का। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या ये सैंटा फे इंडिया में दोबारा आ सकती है फॉर्च्यूनर और एंडेवर से दोबारा टक्कर लेने के लिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे किया कार्निवल की, वो बहुत बड़ा मेन रोल यहाँ पे प्ले करेगी, क्योंकि जो उसमें आपको 2.2 लीटर का BS6 डीजल इंजन मिल रहा है, हुंडई उसे यूज़ कर सकती है इस गाड़ी में। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या है नई सैंटा फे, क्या है इसके पूरे प्लान्स। डिज़ाइन वाइज आप देख ही रहे होंगे काफ़ी नया डिज़ाइन लाई है इसके साथ। ये टी शेप में आपको DRL मिलते हैं, फ्रंट का लुक एक आपको एक बहुत ही खतरनाक एक ड्रैगन लुक में से कहूँगा और बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक इसको दिया गया है। डिज़ाइन वाइज आप बात करेंगे तो रियर में जो आपको पूरा डिज़ाइन है वो आपको एक फुल साइज़ SUV की तरह मिलने वाला है। पीछे आप देख सकते हैं इसके स्पॉयलर्स को। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सैंटा फे के बारे में थोड़ा डिटेल में। इसकी लेंथ है 4690 mm की, विड्थ है इसकी 1880 mm की और 1690 mm इसकी हाइट है। वहीं से कंपीट कर लेते हैं फॉर्च्यूनर के साथ, तो फॉर्च्यूनर इससे लंबाई में ज़्यादा है, 4795 mm लंबी है फॉर्च्यूनर और ये है 4690, एक अच्छा खासा डिफरेंस है 95 mm का। और फ्रंट का लुक आपको काफ़ी चौड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा चौड़ी है। फॉर्च्यूनर 1855 mm चौड़ी है और ये 1880 mm चौड़ी है। फॉर्च्यूनर की हाइट इससे ज़रूर ज़्यादा है क्योंकि फॉरेन कार्स आपने ज़्यादा देखी होगी कि ज़्यादा एक स्लोपिंग रूफ आता है, वहीं फॉर्च्यूनर में एक बल्की और काफ़ी मस्कुलर लुक आपको देखने को मिलता है। ये गाड़ी भी एक 7-सीटर सेगमेंट को बिलोंग करती है और फॉर्च्यूनर भी आपको 7-सीटर सेगमेंट को देखने को मिलती है। फॉर्च्यूनर में अभी आपको BS6 इंजन ऑफर करा गया है जो कि इसका 2.8 लीटर का डीजल इंजन है, 175 BHP, 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मैनुअल के साथ देती है फॉर्च्यूनर। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं फॉर्च्यूनर का तो 175 BHP और 450 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा। अब मैंने बात करी थी कि सैंटा फे में अगर आपको किया कार्निवल का इंजन ऑफर किया जाए तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पूरे ह्युंडई मोटर ग्रुप के लिए। 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, 202 BHP की मैक्सिमम पावर, फॉर्च्यूनर को बहुत पीछे छोड़ देगा। टॉर्क के मामले में ज़रूर थोड़ा कम है, 441 Nm का टॉर्क है और जो RPM है काफ़ी अच्छे हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं ओवरऑल गाड़ी के प्रोपोर्शन की, तो इसमें फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन पहले भी मिलता था। पहले जब इसको लॉन्च किया था तो इसके बेस मॉडल की प्राइस थी 2010 में तो काफ़ी कम थी, लेकिन 2017 की बात करेंगे तो ये 27,90,000 की मिलती थी बेस मॉडल और इसका टॉप मॉडल करीब 35,36,000 तक चले जाता था। वहीं फॉर्च्यूनर आज मार्केट में आपको 28,18,000 में मिल जा रही है BS6 इंजन के साथ और 33,95,000 33.95 lakh rupees में मिलती है अपने टॉप मॉडल के साथ, जो कि इसका ऑटोमेटिक है, 4x4 है, बहुत एडवांस है। तो आप बताइए मुझे एक तरीके से कि आपको सैंटा फे कैसी लग रही है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ना डिमांडिंग थी, क्योंकि लोग फॉर्च्यूनर को अभी उन्होंने देखा था कि फेसलिफ्ट उसका थाईलैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वहीं सैंटा फे कहाँ रह गई हुंडई की तरफ से, क्योंकि आपने वेन्यू के साथ भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट में उथल पुथल मचा दी थी उस गाड़ी ने। वहीं मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस गाड़ी के साथ भी ज़रूर होगा। फ्रंट का लुक देखेंगे डिटेल में तो एक 3D पैटर्न में आपको पूरी मैच दी गई है, टी शेप्ड आपको इसमें DRLs मिलता है कंपनी की तरफ से और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक है, मैंने आज तक ऐसी गाड़ी कहीं भी नहीं देखी है। और एक तरीके से और बताऊं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 185 mm का, जो कि फॉरेन मार्केट्स के लिए है। 20 इंच के आपको इसके टॉप मॉडल में टायर मिलेंगे और रियर का लुक जो आप थोड़े बहुत इसके टेल लैंप्स देखेंगे वो निसान किक्स की तरह लगेंगे, क्योंकि मैंने अभी किक्स देखी है शोरूम में। और गाड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, जो आपको DRL पोजिशन लैंप्स मिलते हैं वो आपको वेन्यू की तरह देखने को मिलेंगे, हालांकि वेन्यू में इसके डिज़ाइन को लिया गया था। एक नज़र हम डाल लेते हैं इससे थोड़ी छोटी सी जो ऑलरेडी इंडिया में आने वाली है, वो है इसकी टूसॉन्ग, जो कि हुंडई की टूसॉन्ग है। 2005 में लॉन्च किया था, 2020 में अब उसका फेसलिफ्ट आने वाला है लॉकडाउन के बाद। टूसॉन्ग जो है वो आपकी एलेंट्रा के प्लेटफॉर्म पे पहले से ही आती थी और क्रेटा में अभी वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है, सेल्टॉस में भी वही प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। और ग्लोबली बात करेंगे तो टूसॉन्ग में आपको किया स्पोर्टाज का सेम प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि मैंने काठमांडू में कवर की थी। टूसॉन्ग की लेंथ जो है वो फॉर्च्यूनर और इससे कम है, जो आपकी जो अभी आपके सामने है सैंटा फे।
4475 मिलीमीटर है टू सॉन्ग की लेंथ, 4690 सेंटा फे और 4795 फॉर्चुनर। ग्राउंड क्लियरेंस टूसॉन का ठीक ठाक है 195 मिलीमीटर का। इंजन अभी आपको कंपनी लेटेस्ट ऑफर कर रही है इंडिया में, 2 लीटर का इंजन है सीआरडीआई डीजल BS6, 150 bhp और 400 nm का मैक्सिमम टॉर्क, और भी ऑल व्हील ड्राइव भी मिल रहा है डीजल के साथ। और अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं वो है 2 लीटर का गैसोलीन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, अगेन 150 bhp डीजल के बराबर, लेकिन टॉर्क काफ़ी कम है, 192 nm का टॉर्क है। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलेगा आपको पेट्रोल के साथ और 8 स्पीड का लेटेस्ट ऑटोमेटिक मिलेगा डीजल के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैनुअल का कोई ऑप्शन अभी नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एंडियावर के बारे में। एंडियावर सेगमेंट में बहुत बड़ी गाड़ी है, इसीलिए लोग थोड़ा उसे लेने से बचते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक में थोड़ा दिक्कत कर देती है। एंडियावर की अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो 4.9 मीटर उसकी लेंथ है। प्राइस स्टार्ट होती है 29.55 लाख रुपीज़ से और 33.25 लाख रुपीज़ में टॉप मॉडल ऑफर किया जाता है। एंडियावर में अब एक छोटा इंजन आपको मिलता है जो कि 2 लीटर का इंजन है, एको ब्लू टर्बो डीजल सीरीज़ का इंजन है, 170 bhp और 420 nm का मैक्सिमम टॉर्क है। कंपनीज में ट्विन टर्बो यूज़ कर सकती थी इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया का जो फ्यूल है, पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो ट्विन टर्बो इंजन के लिए उतना ज़्यादा रिलायबल साबित नहीं हो पाता, इसीलिए कंपनी ने वो आइडिया डंप कर दिया। एंडियावर को इंडिया में काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया गया था 2003 में, आज भी काफ़ी सारी पुरानी एंडियावर्स आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग हो जाती है उन गाड़ियों से। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अपनी इंडियन ब्रांड महिंद्रा एल्टियूरा G4 की बात करें तो उसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, फॉर्चुनर से बड़ी है, 4.84 मीटर की लेंथ है जो आपकी एल्टियूरा है। एंडियावर से छोटी है लेकिन फॉर्चुनर से बड़ी है, और उसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है 28.7 लाख रुपीज़ से, 28,70,000 रुपये में एल्टियूरा का बेस मॉडल ऑफर किया जा रहा है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन अगेन आपको मिलेगा जो आपको XUV 500 में भी मिलता है। और BHP की बात करें तो 178 BHP मिलती है आपको एल्टियूरस के अंदर और 420 nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा जो आपको सेम मिलता है एंडियावर के अंदर, बस पावर आपको ज़्यादा मिलेगी एंडियावर से। तो ओवरऑल अगर आप वर्डिक्ट निकालते हैं तो मैं हुंडई को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंटा फे को एक मौका दीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे एक गवर्नमेंट ने नॉर्म निकाला है, रिलैक्स्ड होमोलोगेशन नॉर्म जिसे कहा जाता है, जिसमें कोई भी कंपनी फॉरेन मार्केट से 2500 गाड़ियां 2500 व्हीकल्स को इंडिया में ला सकती है या किसी भी कंट्री में ले जा सकती है और उसको उतना ज़्यादा टैक्स और ये सारे प्राइजेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बहुत बढ़िया एक टूल हो सकता है कंपनीज के लिए कि नई टेक्नोलॉजी इंडियन कस्टमर्स को नया डिज़ाइन एक्सपीरियंस करने के लिए दी जाए। यही सेम कॉन्सेप्ट में आपको फोक्सवैगन की आपको न्यू टी-रॉक भी देखने को मिली है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, हालांकि काफ़ी कम यूनिट्स आपको देखने को मिली थी। इसकी अभी इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, ना ही वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग मिली है, ना ही इस लेवल का जो इसका चैसी है वो डिज़ाइन कर सकने का या फिर ऐसा पूरा टीम वर्क है। तो इस गाड़ी को ज़रूर CBU यूनिट की तरह लाया जाएगा जो कि कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट होने वाली है। डिज़ाइन मुझे इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा शानदार लगा। आप मुझे बताइए क्या है इस गाड़ी का। अब ये गाड़ी US मार्केट के लिए यानी कि अमेरिका के लिए, तो अमेरिका जाना तो अभी बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी जल्द इसको रियल लाइफ रिव्यू करूंगा। इंटीरियर आप देखिए इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, 10.25 इंचेस की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, 12.3 का आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। प्रीमियमनेस के मामले में इस गाड़ी का कोई भी जोड़ नहीं है, सेगमेंट से बहुत आगे है ये गाड़ी अगर इंडिया में आ गई। हालांकि इंडिया में इसके काफ़ी सारे फीचर्स को डाइल्यूट किया जाएगा, हेडअप डिस्प्ले तो ज़रूर आपको मिलेगी क्योंकि सेल्टॉस ने बार को इतना ज़्यादा रेस कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी फीचर कट करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगी, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग फॉर्चुनर के जो कस्टमर है वो सेल्टॉस में ही सेटिस्फाई हो गए थे। काफ़ी बढ़िया बात है, फॉर्चुनर में आज भी आपको सनरूफ नहीं मिलती है, वहीं एंडियावर आपको सनरूफ देती है, सेगमेंट बेस्ट आपको राइडिंग कम्फर्ट देती है, काफ़ी अच्छी अच्छी आपको फीचर्स देती है, लेकिन फॉर्चुनर मिस आउट करती है। लेकिन ये जो सेंटा फे है, और इसमें एक और खास बात है कि ये फ्यूचर प्रूफ है, यानी कि इसमें आपको हाइब्रिड का सिस्टम भी कंपनी ऑफर कर रही है। ये इसका प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है जिसका जो मैक्सिमम BHP है ये 265 BHP है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, एक स्पोर्टी SUV बनाया था इसको। इंडिया में वो आपको जरूर नहीं मिलेगा, इंडिया में मेरा तो काफ़ी सारा आइडलेशन है कि इसमें आपको किया कार्निवल का सेम 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो कि 202 bhp 441 nm का मैक्सिमम टॉर्क देगा। मैं इसीलिए इतना ज़्यादा श्योर हूँ क्योंकि जो किया की स्पोर्टाज आती है जो मैंने सिंगापुर में कवर करी थी उसमें यही सेम इंजन आता है और किया कार्निवल से पहले देखने को मिला था स्पोर्टाज के अंदर। तो एक तरीके से वो रिवर्स साइकिल हो जाएगी, जैसे क्रेटा सेल्टॉस में आपने देखा रिवर्स साइकिल, यही सेम यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। एक नज़र मैं आपको हुंडई की पैलिसेड के बारे में भी बता देता हूँ जो कि इसकी मोस्ट लग्जीरियस SUV है।
दुनिया की सबसे बिगेस्ट एसयूवी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हुंडई की लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ी आप लेंगे तो पैलिसेड आपको मिलेगी। इसको वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का टाइटल मिल चुका है, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। यहाँ ना मर्सिडीज आई ना बीएमडब्ल्यू आई, हुंडई ने इस टाइटल को पूरा अचीव करा है। इस गाड़ी की टेस्टिंग इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग चल रही है मतलब कंपनी इसकी फिजिबिलिटी को इंडिया में चेक कर रही है, क्या कस्टमर इसको लेना चाहेगा, डिमांड कैसी है, क्या एनालिसिस निकलेगा, वो आगे की बात है, वो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी ये यूएस मार्केट में अगेन सेल की जाती है और वहाँ ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी होती है, आप जानते ही है अमेरिका में बाईं तरफ बैठता है ड्राइवर। और जो यूके की मार्केट है या फिर आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट कह लीजिए, साउथ अफ्रीकन मार्केट, हमारे अलावा हमसे ज़्यादा अमीर है वो लोग, वहाँ के लिए गाड़ी चाहिए तो राइट हैंड ड्राइव व्हीकल ही चाहिए। अब हुंडई ने ये क्लियर नहीं किया कि पैलिसेड को इंडिया में वो लाएंगे भी या फिर सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए वो हमारी रोड्स को, हमारे एटमॉस्फेयर को या फिर हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। तो शायद कंपनी ऐसा कुछ कर रही है कि पूरी दुनिया में जैसा भी क्लाइमेट है, चाहे बात करिए लद्दाख या फिर हमारी, क्योंकि इंडिया हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इसमें आपको हर एक तरीके का क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। चाहे आप सब जीरो टेम्परेचर की बात कर लीजिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा एक गर्म, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल थार में चले जाए तो अलग ही चीज़ मिल जाएगी। तो हुंडई अगर इसको लॉन्च करता है तो इसके पास एक और ऑप्शन वही सेम है, जो कि होमोलोगेशन नॉर्म का यूज़ करेगा और 2500 गाड़ी ले आएगा। लेकिन इसमें इंजन जो मिलता है, बड़े हाई लेवल के इंजन मिलते हैं, जो कि ये 3.8 लीटर का 3800 सीसी का V6 इंजन मिलता है, जो कि V6 आप जानते होंगे। पावर फिगर है इसका 296 BHP, 355 NM का मैक्सिमम टॉर्क। जो आप अभी सेंटा फे देख रहे हैं, ये बिल्कुल टॉप नॉच की है, आप इंजॉय कीजिए इसे, बाकी ये डिटेल भी देखते रहिए। एक ऑप्शन और बचता है आपकी पैलिसेड के लिए, वो है इसका 2.2 लीटर का जो कार्निवल का इंजन है, जो कि साउथ कोरिया में भी यूज़ किया जाता है वहाँ की पैलिसेड में। तो देख रहे हैं ये जो 2.2 लीटर का इंजन है, इसमें बहुत सारा एक फ्यूचर, पूरा इस जो हुंडई मोटर ग्रुप है इसका फ्यूचर जुड़ा है, अगर ये थोड़े प्रीमियम कस्टमर्स को डील करना चाहती है तो। कार्निवल तो इनने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट इंडिया में दिया है, चाहे आप इनोवा से कम्पीट करने की बात कर लीजिए, लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं कार्निवल को। सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रिलायबिलिटी भी अच्छी है। जो 2.2 लीटर का इंजन है वो सेम स्पेक आपको देगा, 202 BHP, वो 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अभी भी आता है, और फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है पैलिसेड के अंदर। हाँ, पैलिसेड की जो लेंथ है वो आपको मिलती है, थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है एंडेवर से। एंडेवर की लेंथ है 4903 mm, पैलिसेड है 4980 mm। तो एक तरीके से 7-सीटर ऑप्शन आता है पैलिसेड में, और 8-सीटर भी आ जाता है अगर आप ज़्यादा एक 3 रो और कुछ सेटअप लेना चाहे तो। तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, और आपको एक और फैक्ट में शेयर करता हूँ कि सेंटा फे को इंडिया में 2010 में लॉन्च किया था, 2017 में हटा दिया गया, और जो 2014 में इसका अपडेट आया था वहाँ हुंडई की तरफ से सुनने को मिला था कि फ्लूडिक डिज़ाइन लैंग्वेज किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले सेंटा फे में ही फ्लूडिक डिज़ाइन लैंग्वेज आई थी, जो आप अभी क्रेटा में देखते हैं, वर्ना में देखते हैं, उसी के साथ जो आपकी अभी क्रेटा है, उससे पहले क्रेटा आती थी, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको सेंटा फे से ही लिया गया था। यानी कि कंपनी को पता चला कि एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट भी होता है, होने को डस्टर पहले से आती थी, लेकिन कंपनी ने अपनी जो एनालिसिस है उसमें यही पता लगाया कि सेंटा फे थोड़ी महंगी हो रही है लोगों के लिए, इसीलिए हम देते हैं एक मिड साइज एसयूवी, जो कि क्रेटा आप जानते ही कितनी ज़्यादा एक सक्सेस गेन कर चुकी है मार्केट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट करके मुझे बताइए कि फॉर्च्यूनर आप लेना पसंद करेंगे या फिर सेंटा फे को इंडिया में लाना चाहिए हुंडई की तरफ से। 1-2 साल तो इसको लगेंगे अभी, क्योंकि हुंडई अभी पहले टूसॉन्ग इंडिया में लाने वाली है जस्ट आफ्टर लॉकडाउन, उसके बाद शायद 1-2 साल और ले। लेकिन इसके अगर मार्केटिंग स्टार्ट होती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि भाई साहब सेंटा फे आने वाली है, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हुंडई बहुत ज़्यादा एक एस्पायरिंग ब्रांड है, बहुत अच्छे फीचर देती है और लीस्ट कॉस्ट में देती है, रिलायबिलिटी भी टॉप नॉच की होती है इनकी, टोयोटा की लेवल की ही पहुँच गई इनकी रिलायबिलिटी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत, और अपना कमेंट, अपना ओपिनियन प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही मैटर करता है कंपनीज़ के लिए भी, क्योंकि आप जानते होंगे कि मार्केटिंग जो इनकी टीम होती है वो सब कुछ देखती है क्या चल रहा है सोशल मीडिया में। तो गुड बाय, जय हिंद।